एच क्या होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है तो इसका आंसर क्या आया हुआ है वन तो ये वन अब कैसे आया है? ये हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू फैक्टर फैक्टर्स ऑफ सेवन हम फैक्टर्स ऑफ सेवन राइट डाउन करेंगे फैक्टर्स का मतलब होता है जो सेवन है वो किस किस टेबल में आता है यानी वन के टेबल में आता है सेवन और अपने टेबल में आता है इसी तरह हम फैक्टर्स बनाएंगे इलेवन के इलेवन भी अपने टेबल पे आता है और और वन के टेबल पे आता है ठीक है इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है वन वन इसमें भी है और इसमें भी है तो ये हमारा क्या आ गया कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा क्या होगा एच होगा इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया वन आ गया द एल्सियम इज ऑलवेज डैश देन एच ई एफ वो कहते हैं जो एल्सियम है वो हमेशा जो है एच एफ के से क्या होता है ग्रेटर होता है क्योंकि एल्सियम में हमने क्या लिखना होता है कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखते हैं हम ठीक है फैक्टर्स होते हैं जबकि एच सी एफ में हम सिर्फ क्या लिखते हैं कॉमन फैक्टर लाइक ये वन और वन सिर्फ कॉमन था तो मैंने वन लिखा और मेरा एच सी एफ भी क्या आया वन सिर्फ कॉमन फैक्टर अगर हम एल्सीयम की बात करते हैं तो मैं इन सब नंबर्स को आपस में क्या करवाती वन सेवन वन और इलेवन को आपस में मल्टीप्लाई करवाती तब मेरे पास एल्सीयम आता है इसलिए एल्सीयम जो है वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है एच सी एफ से एच सी एफ स्टैंड फॉर वो एब्रीवेशन यानी स्टैंड पूछ रहे हैं एच एच फोर क्या होगा हाई सी फॉर कॉमन और फैक्टर क्योंकि हम इसमें क्या लेते हैं, हैं. कॉमन फैक्टर है, है, है? होगा इलेवन जो है अब प्राइम नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन के टेबल पे जाते हैं या सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं लाइक like जैसे सेवन है और जैसे इलेवन है अब मैं सेवन और इलेवन का एल्सियम लूंगी तो सेवन सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा सेवन वन टाइम सेवन और इलेवन को मैं ऐसे ही राइट कर लूंगी और इलेवन वन टाइम सॉरी वन का वन आ जाएगा इलेवन वन टाइम इलेवन आ जाएगा तो जो इसका एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा यानी सेवन और इलेवन का प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास ठीक है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज डैश ऑफ द नंबर्स ठीक है जो एलसीएम है वो टू प्राइम नंबर्स का क्या होता है प्रोडक्ट होता है एल्सीियम ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी फोर इज़ डैश आपने एल्सीम बताना नाइन और ट्वेंटी फ़ोर का आपने नाइन और ट्वेंटी फोर मैंशन किए इस तरीके से फिर आपने क्या करना है टू टू के टेबल में नाइन नहीं आता तो नाइन ऐसे ही आ जाएगा ठीक है और टू वन जैर टू हो गया टू टू ज़ार फोर हो गया फिर नाइन ऐसे ही आ गया टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व हो गया नाइन ऐसे ही आ गया टू थ्री हज़ार सिक्स हो गया अब थ्री पे कर लेते हैं थ्री थ्री हज़ार नाइन आ गया थ्री वन थ्री आ गया और थ्री ये वन आर थ्री और वन का वन अब ये जो मेरे साइड पे है ये मेरे क्या है प्राइम फैक्टर है इन सब को मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई करवा दूंगी मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास आंसर क्या आया सेवेंटी टू आ गया तो जो कि मैंने अपनी फिलिंग ब्लैंक्स में फिल कर दिया ठीक है एलसीएम आप इस तरीके से लेंगे और सबसे पहले आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर पे हो ठीक है नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स यानी आपने बतानी है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है पार्ट ए है आपके पास द प्राइम फैक्टर्स ऑफ आर एंड फाइव और ये स्टेटमेंट क्या है टू है वो कहते हैं जो वन ट्वेंटी फाइव है उसके प्राइम फैक्टर ये तीन है यानी फाइव 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 है तो ये बार टू है यहाँ पे हमने फाइव के प्राइम फैक्टर लिए यानी ये वाली साइड जो है ये हमारी क्या होती है ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो जो हमने किया क्या है टेन हो गया टेन से इधर टू कैरी आया ट्वेंटी फाइव बन गया टाइम um, क्या हो गया ट्वेंटी फाइव और फाइव फाइव टाइम क्या हो गया ट्वेंटी फाइव फाइव वन टाइम फाइव हमने तब तक सॉल्व करना होता है जब तक यहाँ पे वन ना आ जाए ठीक है इस तरह वन ट्वेंटी फाइव के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो ये वाले हैं ठीक है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई है ट्रू हो गई है द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर वो कहते हैं किसी भी नंबर का द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम तो जो होता है टू नंबर का इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर यानी उनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है जी हाँ जी तो अभी हमने इसको रीड भी किया है तो ये ट्रू है ठीक है प्रोडक्ट के इक्वली होता है जब एल सी और एच के एच सी एफ आर फिफ्टीन एंड थर्टी फाइव इज थर्टी वो कहते हैं फिफ्टीन और थर्टी फाइव का अगर एच सी एफ लिया जाए तो क्या वो थर्टी फाइव आता है ये क्या है फॉल्स है चलिए हम देख लेते हैं क्या आता है ठीक है फैक्टर लिखे हैं मैंने क्या लिखे फैक्टर लिखे हैं फिफ्टीन के तो फिफ्टीन वन के टेबल में जाता है थ्री के टेबल में जाता है फाइव के टेबल में जाता है फिफ्टीन के टेबल में जाता है ठीक है इसी तरह मैंने फैक्टर लिखे थर्टी फाइव के किस टेबल में जाता है वन के टेबल में फाइव के टेबल में सेवन के टेबल में और थर्टी फाइव के टेबल पर डिविजिबल है ठीक है जो तो इन दोनों में कॉमन है वो क्या चीज है फाइव और फाइव तो इसलिए इसका फिफ्टीन और थर्टी फाइव का जो एच सी एफ आना था वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है ठीक है जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा एच सी एफ होता है तो यहाँ पे कॉमन है फाइव बट इधर इन्होंने कहा है थर्टी फाइव ही है तो इसलिए Statement क्या हो एलसीएम ऑफ सेवनटीन एंड नाइनटीन इन सेवनटीन मल्टीप्लाई कहते हैं जो LCM है वो वो मतलब कि 17 और 19 का का इन दोनों का करके ही आएगा जी ट्रू है क्योंकि सेवनटीन और नाइनटीन दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं जब दो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकालते हैं एल्शियम स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल वो कहते हैं एल्शियम का मतलब यह है कि लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं लार्जेस्ट नहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसलिए यह स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है फॉल्स हो गई है थर्ड क्वेश्चन आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गि ऑप्शन फर्स्ट पार्ट आपके पास द प्राइम फैक्टर्स ऑफ वन नाइन्टी फाइव आर तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे वन नाइन्टी फाइव के ये नीचे हमने निकाले हैं वन नाइन्टी फाइव के प्राइम फैक्टर्स ठीक है फाइव थ्रीज है फिफ्टीन फोर इधर कैरी आ गया फाइव के पास तो फोर्टी फाइव बन गया फाइव नाइन टाइम फोर्टी फाइव आ गया अब इसी तरह थ्री वन टाइम थ्री आ गया थ्री थ्री टाइम नाइन आ गया और थर्टीन वन टाइम थर्टीन आ गया तो ये वाले साइड पे जो है ये मेरे क्या है प्राइम फैक्टर हैं फाइव थ्री और थर्टीन तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा थ्री फाइव एंड थर्टीन तो उसको मैं टिक कर दूंगी बी पार्ट है आपके पास एच ई एफ ऑफ सेवेंटी फाइव एंड फोर्टी फाइव इज एच ई एफ आपने बताना यानी हाइस्ट कॉमन फैक्टर बताना है आपने सेवनटी फाइव और फोर्टी फाइव का एल्शियम लेना है पहले यानी आपने <coughs> फोर्टी फाइव और सेवेंटी फाइव को इस तरीके से सॉल्व करना है ठीक है इनका एलसीएम लेना है और जो इनके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे ये फोर्टी फाइव के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये सेवेंटी फाइव के ठीक है ये हमने मेंशन कर देने हैं और जो कॉमन होगा उनको हम सर्कल कर देंगे देखें थ्री और थ्री इसमें भी कॉमन है और इसमें भी फाइव इसमें भी कॉमन है इसमें भी तो थ्री को भी मैं वन टाइम राइट कर लूँगी और फाइव को भी मैं वन टाइम कर लूँगी और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी जो मेरे पास कॉमन फैक्टर हैं थ्री फाइव टाइम क्या हो गया फिफ्टीन तो इसलिए मेरा जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है सिर्फ हमने इसमें कॉमन फैक्टर को लिया ना तो इसलिए ये एच हुआ है अगर हम ये थ्री और फाइव जो अनकॉमन है इनको भी लेते हैं तो फिर वो एल आ जाएगा ठीक है इसमें अभी हमने सिर्फ कॉमन जो हमने सर्कल उनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा एच आया ठीक है तो इसका एच आंसर क्या है फिफ्टीन एल्सीयम ऑफ थ्री फाइव एंड सेवन इज़ डैश अब हम एल्सियम ले रहे हैं तो हमने इसमें क्या करना है सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है ठीक है वन इसका एल्म आया थ्री फाइव सेवन का हमने एल्सीियम लिया तो 3 है, 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 है तो वो थ्री भी प्राइम है फाइव भी प्राइम है सेवन भी प्राइम है यानी ये सब प्राइम नंबर हैं तो इनका एल्शियम जो आएगा उन सबको मल्टीप्लाई करके ही आएगा जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया वन जीरो फाइव एल्सीयम ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स सम ऑफ द नंबर वन ऑफ द टू नंबर इक्वल टू द एल सी ऑफ द नंबर तो आपको पता है इस चीज का एल्सिम ऑफ टू प्राइम नंबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी उन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है एच ई एफ ऑफ ट्वेंटी एट फोर्टी नाइन एंड सेवनटी इज डैश यानी आप एच ई एफ लेंगे ट्वेंटी एट कैल्शियम लेंगे इसी तरीके से और फिर फोर्टी नाइन का और फिर सेवनटी का फिर उनके तीनों के कॉमन फैक्टर्स को आप सर्कल करेंगे तो आपको पास कॉमन आएगा आंसर वो क्या होगा सेवन होगा तो आप इस तरह तरीके से सेवन को टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल को चेक कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के बारे में है

यानी पहले स्मॉलेस्ट नंबर पे चेक करना है ठीक है कि किस पे आता है ठीक है अब लास्ट पे सिक्स था तो हमें पता चल गया ये इवन है ये टू तो पे डिवाइड हो सकता है टू टू जार फोर वन कैरी आ गया टू एट जार सिक्सटीन टू वन जार टू टू फोर जार एट और टू सेवन जार फोर्टीन और सेवन वन जार सेवन इसी तरह हमने वन फोर्टी का लिया इसी तरह हमने सिक्सटी थ्री का लिया जब वन फिफ्टी सिक्स के फैक्टर्स क्या है ये वाले हमने ये ऐसे ही राइट कर लिया अब वन फोर्टी वन फोर्टी है इसके फैक्टर है ये वाले तो हमने इनको भी राइट कर लिया अब सिक्सटी थ्री है उसके फैक्टर है ये वाले अब उसको भी राइट कर लिया ठीक है अब हम देखेंगे इन सब में कॉमन क्या आ रहा है तो कॉमन सिर्फ सेवन इसमें भी है और इसमें भी इसमें भी है तो हमने उसको सर्कल कर लिया ठीक है इस तरह हमें पता चला जो हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है सेवन है यानी देर फोर एच सी फिफ्टी सिक्स इज सेवन इस तरीके से आप क्या कर सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो थ्री नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट है इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड ये वाला होता है ठीक है अब 64 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स लेने हैं 148 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और 60 के प्राइम फैक्टर्स हमने लेने हैं 64 के चेक करते हैं टू थ्री टाइम सिक्स आ गया टू टू या फोर आ गया टू वन टाइम टू आ गया यहाँ से थ्री से वन कैरी रीव टू के पास चला गया तो वो ट्वेल्व बन गया टू सिक्स टाइम ट्वेल्व आ गया टू एट टाइम सिक्सटीन हो गया टू फोर टाइम एट हो गया और टू टू टाइम फोर हो गया टू वन टाइम टू हो गया तो आपके पास वन हो गया तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ये अब नेक्स्ट देखते हैं टू सेवन फोरटीन हो गया और टू फोर टाइम एट हो गया टू थ्री टाइम सिक्स हो गया वन कैरी आ गया तो वन फोर गया आर आ गया थर्टी सेवन टाइम थर्टी सेवन हो गया तो यहाँ पे ये एंड हो गया क्योंकि आपके पास लास्ट पे वन आ गया इसी तरह सिक्सटी का है टू थ्री टाइम सिक्स हो गया जीरो ही आ गया टू वन टाइम टू हो गया वन इधर कैरी चला गया वन जीरो टेन बन गया टू फाइव का टेन हो गया थ्री फाइव टाइम फिफ्टीन हो गया फाइव वन टाइम फाइव हो गया यह भी एंड हो गया अब हम फेक्ट, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे ये जो साइड पे हमारे पास आए हैं ठीक है उन नंबर्स के आगे सिक्सटी फोर वन फोर्टी एट और सिक्सटी सिक्सटी फोर के प्राइम फैक्टर्स ये वाले हैं वन फोर्टी एट के प्राइम फैक्टर ये वाले हमने यहाँ पे राइट कर लेने हैं लेनेटी के प्राइम फैक्टर्स जो कि ये हैं और हमने यहाँ पे राइट कर लेने हैं अब हमने क्योंकि एच सी एफ फाइंड करना है एच सी एफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं तो जो तीनों में होगा वो कॉमन होगा तो हम उसको सर्कल कर लेंगे टू इधर भी है इधर भी है और इसमें भी है तो तीनों में तुमने तो इसको कॉमन कर लिया इसी तरह ये टू भी हमने कॉमन कर लिया बाकी क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो, तो ये एक सेट बन गया ठीक है थ्री का पे यानी एक सेट है तो इसको मैं वन टाइम लिखूंगी टू को ठीक है इसी तरह ये भी एक सेट सब बन गया ग्रुप बन गया है तो इसको भी वन टाइम लिखूंगी तो टू टू जर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा तो इनका जो एल्सियम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मेरे पास क्या आया है फोर आया है क्वेश्चन नंबर फोर का डी पार्ट है मेरे पास ट्वेंटी सेवन वन थर्टी एंड फोर्टी सिक्स इसको भी हमने उसी मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है आपके पास ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन टाइम ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री टाइम नाइन थ्री वन टाइम थ्री तो एंड हो गया ये टू सिक्स टाइम ट्वेल्व हो गया वन कैरी आ गया वन जीरो बन गया टू फाइव आ गया ठीक है वन फाइव वन टाइम फाइव और वन कैरी आ गया तो वन फाइव बन गया फाइव टाइम फिफ्टीन आ गया थर्टीन वन टाइम थर्टीन आ गया टू टू टाइम फोर आ गया टू थ्री टाइम सिक्स आ गया ट्वेंटी थ्री वन टाइम ट्वेंटी थ्री आ गया ठीक है ट्वेंटी थ्री अपने ही टेबल में जाता है क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है इसी तरह ये थर्टीन भी प्राइम नंबर था तो ये अपने ही टेबल पे गया था ठीक है आप ये साइड पे जो आपको पता है ये हमारे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं ये वाले साइड वाले हमने क्या लिखा मैंने पहले लिखा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन लिखूंगी और उसके आगे उसके प्राइम फैक्टर्स फिर वन थर्टी लिखूंगी और उसके आगे उसके प्राइम फैक्टर्स फिर फोर्टी सिक्स लिखूंगी और उसके आगे उसके प्राइम फैक्टर्स आपने देखा होगा कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा लास्ट में वन तो कॉमन है ना वो तो सब में होता है ठीक है तो हम वन वाला क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे ये वन इसमें भी है इसमें भी और इसमें भी है तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया है वन आया ठीक है हमारा आंसर इसमें वन आ गया होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ओके क्लास अल्लाह हाफिज